हेलो फ्रेंड नमस्ते, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट ने हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि सर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से हमें रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न क्या है और अभी एग्जाम होने में और कितना समय है, उसी अनुसार से आप अपने तैयारी के लिए स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने में अब लगभग 2 महीने या उससे भी कम का समय है और इसके बाद हम जान लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न क्या है। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूरे सौ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो कि 3 भागों में बटे होते हैं, गणित, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 2 पार्ट आप मान सकते हैं, एक आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है, जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के जो भी चैप्टर है और आपके इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी चैप्टर होते हैं वो होते हैं इंक्लूडेड, और इसके अलावा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबों की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक मैथ की बुक चाहिए जो कि थोड़ा सा बेसिक हो और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो। तो आप आरएस अग्रवाल के मैथ से या फिर लूसेंट के मैथ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रिकी मैथ यूज करना चाहें तो सगीर अहमद का ट्रिकी मैथ ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक बुक आप भी यूज कर सकते हैं, इसके तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप आ जाइए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी रीजनिंग के बुक ले सकते हैं, जैसे अरिहंत की रीजनिंग हो गई या फिर आप लूसेंट वगैरह की भी रीजनिंग यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वाले चैप्टर पे। इसके लिए आपको लूसेंट जो है अभी भी परफेक्ट है। अगर आप लूसेंट के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के जनरल नॉलेज बुक है उसको आप यूज कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर के टॉपिक पे। करंट अफेयर के लिए सबसे बेहतरीन होगा आप डेली के अखबार पढ़ें और इसके अलावा चाहे तो मासिक पत्रिका जो निकलती है प्रतियोगिता दर्पण, वो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। हो सके तो आप पिछले 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण, यानी कि इस साल जनवरी से लेके जो अब तक के प्रतियोगिता दर्पण है वो आप परचेज कर ले। इन तीनों चारों बुक को अगर आपके पास होता है, एक रीजनिंग की बुक, एक मैथ का बुक, एक जनरल नॉलेज की बुक, तो ये रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए बहुत होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जितना हो सके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में मदद की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।